नए साल की बधाई देना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हम लोग इस वर्ष हर एक महीने दो महीने मिले। पिछले साल का अनुभव बहुत डरावना रहा है, इसलिए मिलकर इतनी खुशी हो रही है सबसे। और प्रभा खदान फाउंडेशन का जो ये प्रोग्राम सत्र हम लोग ले रहे हैं, जितने उत्साहित और खुश हो रहे हैं वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। आज के शाम में सबों को डॉक्टर सीमा सिंह का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन के साथ मैं ये कार्यक्रम शुरू करना चाहती हूँ। आज हमारे बीच में जो उपस्थित हैं उनके बारे में मैं दो शब्द बोलना चाहती हूँ। श्री सत्य व्यास जी का नाम आधुनिक हिंदी में अपरिचित नहीं है, ये आधुनिक दौर के लेखक हैं। सत्य व्यास जी को एक परिचित शब्द में बोला जा सकता है कि आधुनिक दौर के लेखक हैं। ये काशी विश्वविद्यालय से लॉ स्कूल से इन्होंने स्नातक की पढ़ाई की है। इनके शौक के बारे में भी इन्हें भी घूमने का, क्रिकेट देखने का, फिल्मों का शौक है। सत्य व्यास जी के जो पहली पुस्तक थी बनारस टॉकीज थी, जिसके बारे में बहुत उसके प्रकाशन के बाद इनका नाम अपरिचित नहीं रहा और बहुत ही इनको प्रसिद्धि मिली थी। उसके बाद भी कुछ पुस्तकें आईं, बागी बनिया, दिल्ली दरबार, 84। आज हमारा सौभाग्य है कि हमको इनको सुनने का मौका मिला। सत्य व्यास जी हिंदी के उन लेखकों में से हैं जिनकी पुस्तकों की कुल 1,00,000 से भी सम्मिलित प्रतियां बिक चुकी हैं। आज हम लोग जो यहाँ पे बुक रखी हुई है उफ कोलकाता, इसमें भी चर्चा करेंगे और इसके साथ जी इनके साथ पुराने जितनी भी उन्होंने पुस्तक लिखी है उसके बारे में भी मैं हम लोग इनके साथ चर्चा करेंगे और जुड़ेंगे। आज मैं यहाँ पे बहुत दिल से पूरे रांचीवासी की तरफ से श्री सत्य व्यास जी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। इस में सभा में यहाँ पे बैठे हुए जितने भी हमारे गेस्ट जितने भी आए हैं सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। इसमें श्री पंकज मित्र जी का अभिनंदन, श्री अशोक जयदर्शी जी का अभिनंदन, प्रकाश देव कोलिश जी का अभिनंदन, साथ में जितने भी मैं सबका नाम यहाँ पे नहीं ले पा रही हूँ सबका अभिनंदन और स्वागत, साथ में नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं शुभेच्छा। मैं हमारी आज जो चर्चा करेंगी हमारे मृदुभाषी जिनके बारे में भी उनका भी नाम अपरिचित रांची में भी नहीं है और आजकल उनके जो पुस्तक लिख रही हैं और जिन्होंने कविता संग्रह लिखे हैं उसके लिए भी हम लोग उनको बहुत बधाई पहले दे चुके हैं। मैं उनका छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। सरला बिरला पब्लिक स्कूल में सीनियर हिंदी की शिक्षिका, स्पेशल एजुकेटर, कविता कहानी लेखन में रुचि एवं कविता संग्रह आंगन की गौरैया प्रकाशित हुई है, 2 साझा संग्रह प्रकाशित हुआ है। ऐसे ही मृदुभाषी हमारे मुक्ति शाहदेव जी का अभिनंदन और स्वागत। हमारे साथ इसमें रश्मि जी का भी अभिनंदन और श्रीमती पूनम आनंद जी का भी अभिनंदन स्वागत। मैं अब श्री सत्य व्यास जी से बातचीत करने के लिए श्रीमती मुक्ति शाहदेव जी को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। और सबसे पहले श्री सत्य व्यास जी को आमंत्रित करती कि वो आए और मंच पे आ सके। धन्यवाद। हाँ मैं यही हूँ, आप अपने पास ही रखिए। हाँ। बिना उसके नहीं चल सकता अभी। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आप औपचारिक स्वागत के बाद हमारे बीच में जैसा कि सीमा जी ने कहा एक
आधुनिक जो युवाओं में बहुत ही प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, एक ऐसे व्यक्ति है, बहुत ही जाना माना नाम हमारे बीच उपस्थित है। और सौभाग्य हमारा कि जो एक बुरा दौर हमने देखा अभी, उसके बाद कलम की मुझे लगता है 13वीं कड़ी है जिसमें हम लोग आज फिर से मिल रहे हैं और ये आगे चलता रहे इस उम्मीद के साथ। मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। और सत्य व्यास जी, ऐसे बहुत सारे प्रश्न है। मैं आज अपने व्यस्ततम दिनचर्या में जब भी समय मुझे मिला स्कूल में, मैं सोच रही थी कि मैं किन किन प्रश्नों को पूछूं, क्या कुछ जानूं इनके बारे में। हालांकि इतने प्रसिद्ध हैं कि हम कंगाले अगर सोशल मीडिया वहां पे तो छाए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक हमसे रूबरू है और हम चाहेंगे कि कुछ ऐसी रोचक बातें। और मैक्सिमम यहाँ पे जितने लोग, अधिकांश जो लोग बैठे हैं, मुझे लगता है कि लेखक भी हैं, लिखते हैं, सालों से लिख रहे हैं, पुरानी पीढ़ी के भी लोग हैं, हमारे अभिभावक हैं और कुछ एकदम नए हैं अभी युवा, कुछ हमारे जैसे हैं बीच बीच के। तो एक ऐसा लेखक जिनके लेखन के बारे में पहली पंक्ति मुझे देखने को जो मिली वो कि इनके लेखन में एक नशा सा है और पाठक उसमें डूबता चला जाता है। और खुद इनकी कई बातें हैं बड़ी रोचक लगी मुझे, आप सब भी जानते होंगे, लेकिन फिर से एक बार दोहरा रही हूँ कि भाई 80 के दशक में इनका जन्म हुआ है और 80 के दशक में ये बूढ़े थे और 90 के दशक में ये का यौवन था, जवान हुए। और 21वीं सदी के पूर्वार्ध में मैंने कहीं देखा है वो कि इनका बचपन था और आगे अब क्या, तो इन्हीं से हम सुनेंगे। तो ये जो उल्टी पानी कबीरदास की जैसे है कि उल्टी चल रहे हैं, तो कहाँ तक जाएंगे ये बड़ा रोचक होगा, हम इन्हीं से सुनते हैं। तो सर आप सबसे पहले, सर नहीं बोलूंगी सत्यव्यास जी, मैं आपको ये भी मैं कहना चाहूंगी कि पहला जो उपन्यास में परसों रात में उसको शुरू की थी और सचमुच बहुत थकान के बावजूद मैं 12:15 बजे उसको पढ़ना शुरू की थी, लेकिन बात यह था कि सुबह मुझे स्कूल जाना था तो मैं 51 पेज में उसको तुरंत ही पढ़ गई और क्या फ्लो है। तो नशा मुझे समझ में आ रहा था कि वो उनकी जो भाषा है, शैली है। तो मैं इतनी सारी बातें मैं कह रही हूँ, सुनना मुझे इनको, आप सबको इनको सुनना है। तो लेखक की जो ये जो नब्ज को जो आपने पकड़ा है अभी और जो सारे उपन्यास आपके बेस्ट सेलर में है, तो आपसे मैं पहला प्रश्न ये पूछ रही हूँ कि जो लेखक को आपने अपनाया, हिंदी लेखन खास करके, तो जिस दौर में अपनाया, 35 ईयर्स बहुत नहीं होता है उपन्यास लिखने के लिए, तब आप बेस्ट सेलर थे पहला उपन्यास लिखकर, तो सर वो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, क्या पारिवारिक माहौल ऐसा था, आप बचपन से बहुत पढ़ाकू किस्म के थे, तो वो पहले जानना चाहूंगी, आपकी पृष्ठभूमि जानना चाहूंगी हिंदी लेखन को अपनाने के लिए। शुक्रिया आपका रांची, आप सबों का बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, मैं डर गया था इनफैक्ट, इसलिए क्योंकि जब मैंने वो प्रमोशन की जेपीजी देखी थी तो उसमें लिखा हुआ था कि सत्यव्यास जो है वो अपनी रोमांटिक यादें साझा करेंगे, तो मैं बहुत डर गया था कि कैसे सवाल फिर मैं क्या ही कह पाऊंगा। बड़ा अच्छा लगा कि सवाल जो उस तरफ नहीं गया। आपने पूछा कि लेखन में रुचि कैसे है, लेखन में रुचि देखिए मैं वैसे आप लोगों को बताना चाहूंगी, मैं यहाँ से 150-200 किलोमीटर तो बोकारो का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा ये भी एक बड़ा बढ़िया बढ़िया सवाल है, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उसका जवाब मेरे लिए जो है वो अहमद फराज देते हैं कि काशिदा हम फकीर लोगों का एक ठिकाना नहीं कि तुमसे कहने, मेरा नाम सत्य व्यास है, व्यास जो है मेरे फादर का नाम है, वो मैंने उनसे उधार लिया है और उसकी वजह से मुझे फायदा ये होता है कि राजस्थान वाले मुझे अपना समझते हैं, ठीक है, झारखंड का तो मेरा बचपन ही गुजरा, 20 साल यहाँ गुजरा है तो झारखंडी हूँ, यूपी वाले भी मुझे अपना समझते हैं। तो ये मेरे नाम की बात हुई, बात आई कि लेखन की बात कहाँ से आया। एक्चुअली हम जिस फैमिली से होते हैं वहाँ लेखक का माहौल होता ही होता है, कम बेश कहीं थोड़ा थोड़ा कम होता है, कहीं थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन होता है। मेरे साथ बड़ी अच्छी बात थी कि मुझे दोनों तरह का लेखन, जो एक जो कहा जाता है कि पार्ट टाइपिंग है, गंभीर लेखन और नॉन फिक्शन, मुझे दोनों लेखन पढ़ने का मौका बहुत शुरू से मिला, कम से कम समझने का तो जरूर। मेरे पिताजी गहन साहित्यिक पाठक रहे हैं, बहुत जबरदस्त पढ़ते हैं, इसी कारण दो किताबों के बाद उन्हें तीसरी किताब नहीं पढ़ते हैं।
मेरी माता जी जो है वो विशद पार्टी कर रही है लोकप्रिय मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त भी उनसे ज्यादा मैं किसी को जानता हूँ जो लोकप्रिय लेखन के बारे में जानती हूँ तो मैं कभी कभी बात करता हूँ तो वो मुझे बताती है कि रामू जो थे वो दरअसल ईसाई थे मुझे नहीं बताता वो मुझे बताती है कि ओम प्रकाश शर्मा जो थे उनको जनप्रिय अपने नाम के आगे इसलिए लगाना पड़ गया क्योंकि उनके नाम से उनके वक्त में 13 और लोग राइटिंग कर रहे थे। ऐसी बहुत सी बातें उस समय की वो ही मुझे बताती है कि प्रेम वाजपेयी ही अपनी पत्नी रानी वाजपेयी के नाम से लिखा करते थे। आप सोचिए ये तब की बात है 40-45 साल पहले की बात जब मीडिया इस तरह नहीं था तो वो कितनी विशद पार्टी का नहीं होगी कि वो कहां से खोज के ये बातें भी ले आती होंगी कि कौन किसके लिए दिख रहा है और कैसा दिख रहा है। तो मेरे यहाँ माहौल था पढ़ने का, शुरू से ही माहौल था पढ़ने का। एक ही साथ जो है मैं उदय प्रकाश को भी पढ़ता था, एक ही साथ मैं वेद प्रकाश शर्मा को भी पढ़ता था, तो ये रहा पढ़ने का। लेकिन फिर वही कहना चाहूंगा कि चूंकि हम सब हमारी अपब्रिंगिंग जो है वो मध्यम वर्ग के परिवार की है तो वहां सबसे पहले खाने पाने की चिंता होती है। फादर सेल में थे उनकी भी चिंता पहले यही थी कि लड़का जो है वो पहले अपने पैरों पर खड़ा हो उसके बाद कुछ सोचे इस तरह की बात। और बड़े डिसिप्लिन फैमिली से रहे तो ये भी नहीं था कि हम क्या पाए हमें लेखन में जाना है तो पढ़ा करते थे खूब पढ़ा। और जब नौकरी में आए और एक स्थायी तो आया जीवन उसके बाद फिर ये सोच बड़ी कि लिखने की तरफ चलते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब आज नए लड़के मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आजकल 18-20 साल के लड़के भी जो है वो उपन्यास भेज ही देते हैं पढ़ने के लिए आप, तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ कि मेरा उपन्यास 35 साल की उम्र का है और मुझे लगता है कि मेरे पास कम से कम 15 साल तक पढ़ने का एक अनुभव रहा जो मुझे लगता है कि मेरी पहली किताब बनारस टॉकीज में आया और वजह से लोगों ने पसंद की जी। तो एक लाइन का उत्तर ये कहना चाहूंगा कि हाँ मैं पढ़ता रहा, बचपन से ही पढ़ता रहा जी। तो बनारस टॉकीज आपका पहला उपन्यास है, तो क्या उपन्यास ही लिखने के लिए सोचा या पहले जैसे शुरुआत होती है कि कुछ कविताएं लिख रहे हैं, कुछ कहानियां लिख रहे हैं और प्रसिद्धि मिली, बहुत छपे, जो एक ट्रेंड होता है, या फिर आपने? अरे नहीं, मैं इनफैक्ट मुझे ध्यान आता है कि मैंने पहली कविता लिखी थी वो जबरदस्त साहब की एक नज़्म थी कि मैं मुझे भी ये ध्यान है 20-21 साल बाद में उसे रिसाइट कर रहा था कि मैं भूल जाऊँ तुम्हें अभी ही मुनासिब है मगर भुलाना नहीं चाहूँ तो किस तरह भूलूँ कि तुम तो फिर भी हकीकत हो कोई ख्वाब नहीं यहाँ तो दिल का ये आलम है क्या कहूँ तुमसे भुला सका नहीं वो सिलसिला जो था ही नहीं वो एक बात जो मैं कह नहीं सका तुमसे वो एक रब जो हमें कभी रहा ही नहीं। यहाँ तक की बात जबरदस्त साल में लिखी थी, उसके बाद के सारे लाइन मैंने खुद के जोड़े, रहा ही नहीं, गया ही नहीं, हुआ ही नहीं, मिला ही नहीं, और सबको पूरी पूरी की पूरी नज़्म इस तरह से पढ़ाई कि ये मैंने लिखा। तो उस वक्त जो जैसे कि आपने बताया भी कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्टूडेंट रहा हूँ तो वहाँ भी साहित्य का बड़ा अच्छा माहौल है, तो मैंने जब सुनाया उन लोगों को तो सबने बड़ी वाहवाही की, तो मन पड़ा, फिर कविताएं करने लगा। ब्लॉग का एक दौर आया 2008 में, आप कह रहे हैं, तो उसमें ब्लॉग के माध्यम से भी कुछ कविताएं लिखी पर वो एक रस कविताएं थी, मुझे लगता है विरह पे मैं बिल्कुल रुक के और कविताएं लिखा करता था। एक समय के बाद मुझे ऐसा लगा, आदमी इंट्रोस्पेक्ट करता है पढ़ते समय, कि इसी प्लेटफॉर्म पे जिसे ब्लॉग कहें या उसके बाद आप सोशल मीडिया पे, इसी प्लेटफॉर्म पे कविताएं गीत गजल या शेरो शायरी लिखने वाले मुझसे कम से कम ज्यादा अच्छे 100 लोग मालूम है, तो मुझे फिर समय भी बर्बाद नहीं करना चाहिए और मुझे खुद अपना लेखन जो है वो गीत गजल का जो लेखन है शेरो का दूरंदाजी का लगने लगा उनके वर्क्स, फिर मैंने वो छोड़ा था कि इसको अभी नहीं लिखूंगा। और फिर एक डायरी हुआ, चीजें नोट करना शुरू किया मैंने बनारस टॉकीज के लिए, उसमें भी ये बिल्कुल भी कहीं इच्छा नहीं थी कि हम लेखक बनेंगे, कारण ये भी था कि हम पढ़ते किसको आए, इतना ये था कि हम किसको पढ़ रहे हैं।
हम पढ़ते रहे हैं काशीनाथ जी को, हम पढ़ते रहे हैं केदारनाथ जी को, मतिपुर को पढ़ते हैं, मुझे प्रकाश को पढ़ते हैं, हमारी किताब छपे ही कैसे, हमारी हमें खुद वो बात नहीं थी कि हम लेके जाए और बोलेंगे किताब छपे। तो इस इच्छा से भी कभी लिखा इसने कि एक बहुत अच्छा समय गुजरा था बनारस में, उसको कहीं नोट डाउन कर लेना था, उस नोट डाउन करने को लिखता गया और अपने दोस्तों को भेजता गया। तो उनका कहना था कि अच्छा है इसको। फिर 2013-14 के आसपास कहीं किसी ने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कोई नया प्रकाशक है जो किताबों को छापता है, भेज दिया। उस समय भी ये बात नहीं है कि लेखक बनना है या कुछ लेखक की गुण है, उन्होंने पसंद किया किताब छपी। जब आशातीत सफलता मिली, मैं आशातीत शब्द हमेशा बनारस टॉकीज के लिए इसलिए कहता हूँ कि आप लोगों में से जो भी लेखक गण हैं और जानते हैं कि 2013-14 के आसपास एक प्रकाशन है, मैं नाम लिया उनका, एक एडवर्टीजमेंट आया करता था कि हमने फलाना विजेता की 300 प्रतियां निकाली। मेरे लिए ये बहुत दुखद बात है कि एक विजेता जो है जिसने कोई पुरस्कार साहित्य का जीता है उसकी 300 प्रतियां निकलना जो है वो इतनी बड़ी बात है हिंदी में कि उसका प्रचार किया जाए। तो इसीलिए मैं बनारस टॉकीज को आशातीत इसलिए कहता हूँ कि पहले साल में बनारस टॉकीज की 8,000 प्रतियां और अगले साल तक वो 26,000। तो हाँ, मतलब मेरा यही उस निर्माण में मतलब कविताएं लिखता था लेकिन स्थायी तो जो है ठहराव उपन्यास लेकर लिखा गया था जी। हाँ, धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। फिर वहीं से, क्योंकि मैंने अभी बनारस टॉकीज को ही पढ़ा है, तो एक बहुत सारी बातें हैं, जैसे फिल्मों की बात करें, अभी वेब सीरीज भी बन रहे हैं आपके, उसमें फिल्में भी बनेंगी, तो क्या जब आपने लिखा था तो बेस्ट सेलर होने के पहले, जो कि पहला आपका उपन्यास था और इतना नाम अचानक से और अचानक से आपकी मेहनत है, लेकिन पहला उपन्यास आता है और इतना वो बेस्ट सेलर है, तो क्या कुछ आपने वो ध्यान रखा? जैसे आपने कहा कि वो 300 प्रतियां आना इतनी बड़ी बात है, लेकिन ट्रेजेडी है हिंदी वालों के लिए और हिंदी लोग पढ़ नहीं रहे हैं अंग्रेजी के मुकाबले अगर वो करें तो, उस दौर में और सोशल मीडिया में प्रचार का दौर है, तो जिन चीजों को जैसे मैंने भी पढ़ा हुआ की जो भाषा है, जैसे फिल्मों के बारे में हम लोग कहते हैं बहुत अजीब चीजें चीजें आई, तो दर्शक यही चाहता है, इसलिए डायरेक्टर बोलेगा कि हमने ये चीजें उसमें डाली, तो इस तरह की कुछ चीजें हैं प्रचार के लिए या वो भी बातें हैं कहीं पर मैंने पढ़ी जी, तो कितना जरूरी है ये? जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी था, मैं इसलिए भी कहना चाहूंगा इस बात को की तब जब ये किताब आई थी 2014 में, मेरे पास सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मुझे पाठकों का एक इकोसिस्टम बनाना था, मुझे कम से कम इतने पाठक चाहिए थे जिसके लिए मैं दूसरी किताब लिख सकूं, ठीक है, तो मुझे कम से कम एक इकोसिस्टम चाहिए था जहाँ पे एक लेखक अपने पाठकों पर निर्भर हो सके, कम से कम उतने पाठक उसे दूसरी किताब लिखने के लिए प्रेरित करें। उसलिए और हम और हमारे बाद की जनरेशन की बहुत बड़ी समस्या भाषा को लेकर हुई कि हमारी कोई एक भाषा नहीं रही, हमारी भाषा मिक्स हो गई, हम घर में बोलते थे हिंदी, पढ़ाई के समय हमें अंग्रेजी बोलनी होती थी और फिर जब दोस्तों से बात कर रहे थे तो दोनों की मिक्स भाषा कर रहे, तो ये ट्रेजेडी हमारे साथ। तो पहली किताब के साथ मेरी सोच ये थी कि मुझे पाठक जोड़ना है, इसलिए बनारस टॉकीज में कुछ ऐसे संवाद या कुछ ऐसे शब्द भी लिए गए जो कि बिल्कुल इंग्लिश के थे, शब्द मैं कहूंगा उसको देवनागरी पढ़ता जा रहा हूँ और वहां कोई एक सेंटेंस या एक शब्द अंग्रेजी का आ रहा है ना, मैं वहां अटक जा रहा हूँ। जैसे मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि मैं कहानी पढ़ रहा था, वहां पे लिखा हुआ था वर्ड उसने टाट कसा, तो मैं वहां रुक गया, मुझे समझ गया, मैं दो या तीन बार पढ़ा, मैं समझ नहीं पाया उसको, पांचवी छठी बार बार में मुझे वो समझ में आया कि वो जो है टॉम के बारे में बात की जाए, तो जिस तरह का पाठक मैं रहा या जो पाठक मेरे बाहर रहा है उनको आसानी तब हुई जब वो उसको TAUNT करके टॉम ले लिया, वो चीजें बनारस टॉकीज लिखी गई जिसको मैंने अपनी आगे की किताबों में दूर किया, क्योंकि जब बनारस टॉकीज आने के बाद और लोगों के पढ़ने के बाद एक इकोसिस्टम बना, मेरे पास कुछ पाठक आए, तब मुझे लगा कि नहीं, वो जो मुझे अपनी लिपि नहीं छोड़नी है, मुझे अपनी लिपि पे आना है, क्योंकि अब मेरे पास एक पाठक आ गया है,
तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज की अगर आप बात करेंगे तो वो जरूर बोला सॉल्यूशन किया तो धीरे धीरे मैंने उसको दूर किया। बहुत बढ़िया आपने मेरी समस्या का भी निराकरण किया। और जैसा हम सभी जानते हैं आजकल के बच्चे बड़ी सुखदौर में हैं, जिस तरह के वो बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं और बहुत से बोझिल शब्द बोलने लगे हैं, उसको छोड़ना भी नहीं है, लेकिन वही शब्द ऐसा जो हमें आसानी से उतर रहे, जो हमें बोल चाहते हैं इस्तेमाल कर लेते हैं अंग्रेजी, वो हमें पढ़ने में भी रहे तो उसमें क्या बुराई है, जो पसंद करें तो बोलना चाहते हैं युवा वर्ग का बखाई बना। बनारस टॉपिक है, फिर मैं एक जैसे कि काले कपड़े पहन के किसी को कहते हैं तो शूटिंग करने जाए तो वो पिक्चर हिट हो जाए, या बल्लेबाजी में आ रहे हैं तो व्हाइट शर्ट पर अभी शास्त्री बल्लेबाजी करेगा तो हिट हो जाए, तो इसके पीछे का क्या है, शहरों के नाम है आपके ऊपर इस किताब के अमुख की बात लिखी है कि लेखक किसी भी तरह के अंधविश्वास का हामी नहीं है सिवाय इसके कि वो अपनी किताबों के नाम शहरों के नाम पर रखता है। पहली किताब में मैंने लिखी थी 1224 तो मैं बात बिल्कुल भी नहीं थी कि शहरों के नाम रखने हैं या क्या करना है। कहानी बीएचयू सेन की कहानी थी और बीएचयू से कोई बहुत अच्छा नाम मुझे तब नहीं मिल रहा था। 1224 के सारे जो चैप्टर्स का अनुमान जो है वो फिल्मों के नाम पे जो सन 2000 के आसपास आए थे और तब टॉकीज खत्म हो रही थी, मल्टीप्लेक्सेस आ रहे थे, तो उस वजह से उसका नाम मैंने 1224 रखा था। दूसरी किताब जब आई दिल्ली दरबार, उस कहानी की मांग थी उसका नाम दिल्ली दरबार, तो दो किताबें जब इस तरह की आ गई तो तीसरी किताब के समय मेरे पाठक ये पूछने लगे कि सर आप कौन से शहर घुमा रहे हैं, तो मेरे साथ ये हो गया कि नहीं मैं कहानी जब लिखूंगा तो उसमें शहर एक किरदार जरूर रहेगा, किसी भी तरह से कभी नया शहर कहानियां सुनाता है, कभी शहर इतना महत्वपूर्ण बन जाता है मेरी किताब में उसके बगैर कहानियां सोच नहीं सकते, इस वजह से मैं कहानियों में रहा था। हालांकि हर एक अखबार भी है इसका 84 जो है वो दुकानों की कहानी है लेकिन उसके नाम में और उसे शीर्षक में दुकानों का नाम नहीं है, अपनी किताब भी जो मैं लिख रहा हूँ सब तो उसमें भी शहर का नाम नहीं होगा, तो हमें सच का विश्वास में दोनों धन्यवाद आपका। और यहाँ पर हम लोग आते हैं इस किताब में हॉरर रेस में जी हॉरर है। लक्ष्मीनगर में रहता था दिल्ली में और वो मेरे पास दौड़ते हुए रात 8 बजे एक बुखार हुआ मेरे साथ, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही आज कमरे भी रहूंगा, ठीक है रहेगा, मैं आपको बताऊं कि पूरे लॉकडाउन में मैं
चार महीने छह महीने अकेले रहा, केवल चूड़ा मैं ही और सत्तु, ये तीन चीजें होगी। हाँ ये तीन चीज खा झारसूगुड़ा उड़ीसा में एक जगह है जहाँ स्थिति में कर दिया है। कारण दो थे, एक कारण तो ये भी था कि आने भी नहीं दिया गया, मैं जिस दिन लौटना चलाना था उस दिन मैंने हाथ जोड़े कि मैं चलने पीछे, सामने वाले ने हाथ जोड़ा कि आप मत चले तो मैं घर चलाया। कारण ये भी था कि मैं इस पर रिसर्च करना चाहता था। मैंने उस दौरान उस छह महीने के दौरान और बाकी समय काफी पढ़ने की कोशिश की, मलयालम बांग्ला बांग्ला तो कम्प्यूटर पढ़ लेता हूँ, मलयालम ट्रांसलेट करके पढ़ा, अंग्रेजी पढ़ी, पाकिस्तान में उर्दू पढ़ी जहाँ पे एम ए राहत और अनवर अबलागी अबलागी जो है बहुत अच्छा लिखते हैं, उर्दू भी मैं अब कोशिश करके थोड़ी बहुत पढ़ लेता हूँ, बाकी वो भी ट्रांसलेट करते पढ़ी मैंने पढ़ा। और पढ़ने के बाद एक बात महसूस की कि बांग्ला में जो बहुत रिच है हॉरर, लगभग हर भाषा में हॉरर पे काम हो रहा है, मेरी भाषा में काम नहीं हो रहा। मैं दौड़ के देखता गया तो मुझे लगा कि आचार्य चतुर्सेन की एक कहानी थी, मैं नाम भूल रहा हूँ वो, और दूसरी जो है वो मैंने मांडू नहीं देखा स्वदेश सिंह का, दो कहानी और मैंने मांडू नहीं देखा, हालांकि मैं हॉरर में नहीं लगता, वो बहुत ही जबरदस्त कल्ट है। अलावा इसके मुझे हॉरर में हिंदी में काम नहीं मिला, लोकप्रिय लेखन में कुछ काम हुआ है, जब भी लेखक ओम प्रकाश शर्मा ने पिशाच सुंदरी लिखी थी, इसके बाद में 20 साल बाद फिल्म बनी, अलावा इसके उन्होंने भी मुझे लगता है कि इस दौर में हाथ दिया है। मुझे लिखना था इस दौर पर, इसलिए लिखना था कि इससे काम नहीं हुआ है, और चूंकि अंग्रेजी में या बाकी भाषाओं में ये इतना मतलब पाठकों को इतना अट्रैक्ट करता है, मेरी भाषा में क्यों नहीं लिखा गया। अच्छा पूरी 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 कहानी अगर मैं हॉरर में लिखा तो मैं न्याय कर पाता और ना मैं लिख पाता, क्योंकि मैं खुद भी बहुत डरपोक किस्म का इंसान हूँ, अकेले रहना भी था, तो इस वजह से मैंने उसको अमलबद्ध करने की कोशिश की। कॉमेडी कॉमेडी एक ऐसी रोमांटिक कॉमेडी स्कूप है जो मुझे लगता है उसमें इनबिल्ट है, अगर वो लिखना हो तो मुझे बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ती, मैं अगर दो तीन महीने बैठूं तो बर्दाश्त कर सकता हूँ। दोनों को इंट्रोड्यूस किया और एक किताब देने की कोशिश की जो कोर्स वर्क करता है, इसका एक कमर्शियल कारण भी था वो मैं बताना चाहूंगा। फरवरी 2020 में कोरोना से ठीक पहले मैं मुंबई में था तो वहाँ कुछ प्रोड्यूसर से मुलाकात हुई थी, तो वो उस तरह की कहानी चाह रहे थे कि जहाँ हॉरर कॉमेडी में दिखा जाए, तो ये भी कारण था कि किताब लिखी गई। हालांकि मेन रीजन ये था कि मैं चाहता था कि हिंदी में एक हॉरर कॉमेडी आए जो जिसको देख के अगर अच्छी लगे लोग पढ़े चले तो बाकी लेखक भी है इसके तरफ अपना रुख करें। हास्य का भी है इसमें तो बहुत है, बहुत है। जो भी आप न्यूज अमेजन पे पढ़ेंगे तो वो कहते यही है कि सर समझ नहीं आता कि आप कब हंसाते हैं, हंसाते डराते हैं और कब डराते डराते हंसाते हैं। अभी हंसते हंसते इंसान को लगता है कि हंसने की बारी है तो अपना लेते हैं, डर के अगर हम सिकुड़ते हैं तो वो लगता है किसी ने कुछ ऐसी बात बोल दी, ऐसी याद आती है, तो दोनों ही है जी। दोनों है। और इसी से एक और बात याद आ रही है मुझे, मैं पढ़ी हूँ कहीं पर कि जैसे 84 आपने लिखा है तो उसकी थोड़ी बात करें, अभी आपने वो रोमांटिक एक शब्द कहा था कि उसमें जैसे है कि वो जो मिश्का है वो बहुत गजली है, इतनी नजदीक से शायद आपने उसको देखा भी है, जो 84 की जो दंगे दुकानों की बात आपने की है, तो दंगों के पैरल समानांतर एक कहानी उसमें प्रेम कथा भी चली है, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताए। मैं मुझे था कि काम ये किसी आयोजन में था, ये सवाल हुआ था, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ भी अंश लेखक बनने का मेरे भीतर था तो उसका कारण यह था कि मेरी मेमोरी बड़ी अच्छी है। मुझे 1984 में, मैंने तभी ये बताया ना, मेरी उम्र 4 साल थी और बोकारो में मुझे दो बातें ध्यान थी, एक पिताजी ने पहली दफा पीपल वर्ड यूज किया था कि इससे बात करते थे, वो मेरे ध्यान में रह गया, और तीन बातें, तीसरी बात है कि हमारे यहाँ बोकारो में स्टील प्लांट है, तो स्टील प्लांट में अपनी बालकनी से देखा था, स्टील प्लांट के सामने एक पेड़ हरा पेड़ जला दिया गया था, थोड़ा काला धुआं निकला, तो मेरी समझ में तभी नहीं आ रहा था कि काला धुआं क्यों निकल रहा है, अगर आग है तो लपक
तीसरी बात ये थी कि मेरी जो बड़ी बहन थी 15 साल की होंगी वो रो रही थी कि मुझे मार देंगे। मेरी माँ ने कहा था कि तुम मत रो, घर में हम खुशबू में बात करते हैं, तो कहा था तुम मत रो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये बात 4 साल की उम्र में मेरे जहन में बैठ गई कि क्यों इसे कुछ नहीं होगा, क्यों मुझे कुछ नहीं होगा, मैं क्यों सुरक्षित हूँ इस मामले में। ठीक है, 4 साल की उम्र की बात आई होगी। मुझे लगता है कि काफी दिनों बाद जब मैं 23-24 साल का होगा तो मैं एक बार रेडियो सुन रहा था, रेडियो में बोकारो के बारे में बताया गया, दो बातें बताई गई कि बोकारो शहर दो बार चर्चा में आया। पहली बार जब इंदिरा जी ने फाड़ा चलाकर वहां पर स्टील प्लांट की नींव रखी, और दूसरी बात कि जब इंदिरा जी के मृत्यु के बाद वहां दंगे हुए और सिखों की हत्या हुई। ये बात जो है वो मेरे मतलब कहीं युवा मन में घर कर गई और बहुत बुरी तरह से घर कर गई कि मेरे शहर को इस तरह याद रखा जाए। मेरे शहर ने कुछ नहीं किया ना, गलती उस समय के लोगों की थी, गलती जो है उस समय का वो जो इस तरह की जो बल्ला फैलाने वाले कारण थे उसकी थी, मेरे शहर की गलती नहीं थी। तो शहर को इस तरह याद ना किया जाए कि जब 90 लोग मार दिए गए उसमें शहर नहीं होता था। ये कारण था 84 देखने का। अच्छा, फिर वही बात 84 देखते समय भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दंगा अपने आप में जो है ना वो इतना विभत्स विषय है, इतना विभत्स विषय है कि मेरे जैसा सॉफ्ट हार्ट का आदमी पूरी किताब दंगे पे लिख सकता। मुझसे नहीं होगा ऐसा कि मैं पूरी किताब दंगे पे लिखूं। मैं कई कई बार उस किताब को लिखते वक्त रोया हूं। इस वजह से मेरी एक लेखक की मजबूरी भी थी कि मैं उसमें एक पैरेलल कहानी चलाऊं जो कि प्रेम कथा हो, जिससे मेरे पाठक और लोग जुड़े भी। तो इस वजह से वो एक प्रेम कहानी है जो बोकारो शहर में पढ़ती है और पढ़ने के बाद दंगों के पीछे में फंस जाती है। कैसे उससे वो पार पाते हैं, कैसे वो निकलते हैं, यही चौरासी की कहानी है। आप जॉब में जी तो काम उधर की जिम्मेवारी और ये जो लगातार लगभग हर साल आप लिख रहे हैं किताब और इतना उसमें शोध है जिस तरह से आपने बताया उसमें मेहनत है, ऐसा नहीं कि बस दर्शकों का नाम पकड़ लिया कुछ हो गया, इस वजह से काफी मेहनत है। तो कैसे आप जैसे जो जॉब के साथ छोटी छोटी चीजें लिखने में हमारे बस में आते हैं और अभी पिछले 1 साल हम लोगों ने ऑनलाइन उसके बाद में बड़ी अच्छी नींद आई थी मेरा बहुत बड़ा मेरे मित्रों का भी बहुत बड़ा कोई मॉडल नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम नौकरी फैमिली के बाद मेरे पास तीसरा कोई काम नहीं होता है। 12 घंटे के आसपास मोरलेस नौकरी मांगती है, ठीक है, 8 घंटा अगर आप रखते हैं तो भी आने जाने सबको मिला के 12 घंटे नौकरी जो है। नियमित लिखना इसलिए जरूरी है, मैं आपको बताइए आपके सवाल का जवाब कि मैं रोज लिखता हूँ, चाहे मैं एक शब्द लिख के अपना लैपटॉप बंद कर लूं लेकिन मैं रोज लिखता हूँ। मुझे अपनी किताब को रोज देखना, मैं ओपन करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैंने 22,000 शब्द लिखे हैं, का की कुछ भी जोड़ दिया, लेकिन मैं रोज लिखता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कहीं भी रहूँ अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं अपने मोबाइल नोट्स में लिख लेता हूँ, लेकिन मैं लिखता हूँ उसको लेके बहुत पर्टिकुलर भी हूँ नहीं रहती हूँ। तो उसी बात उपन्यास को लेकर आता हूँ, इस तरह मेरे जो उपन्यास है वो मुश्किल 55,000 से लेके 90,000 शब्दों के होते हैं। हम
काम करते वक्त भी जो है वो 500 से 1000 शब्द रोज टाइप करते, तो अगर हम केवल केवल लिखने के लिए लिखे, केवल क्या हम कुछ नहीं लिखना, मुझे 90,000 शब्द कंप्लीट कर रहे हैं, तो भी आप समझे कि हम 3 महीने में 90,000 शब्द लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कहना कि अगर कोई आदमी 1 साल में उपन्यास नहीं लिख पा रहा है, इसका कारण ये कि हम अपने लेखन को लेकर लिख रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात होता कभी कभी ऐसा है कि आप आपके किसी दिन इस तरह का मूड हुआ या किसी दिन इस तरह की बातें हुई कि आप 5,000-7,000 शब्द भी लिख रहे, ठीक है ना, चीजें बनती है। तो कभी कभी ऐसा 22 या 23 बार ही ऐसा होता है जब आपको बैठना होता है और पूरी किताब हो जाती है, लेकिन उसके लिए भी आपको रेगुलर रोज लिखते रहेंगे तो मेरा ख्याल कि साल में जो है वो एक किताब कोई बहुत बड़ी बात है। अब शोध करने के साथ साथ मैं ये नहीं कह रहा कि केवल लिखने के, आप साथ में पढ़ते रहे, पढ़ने के साथ साथ इतना मेरा नहीं ख्याल कोई बात बता। अच्छा, एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये लोकप्रिय लेखकों के लिए आक्षेप अक्सर होता है कि ये केवल कमाने के लिए लिखते हैं, ऐसा नहीं है। आप उन लेखकों को देखिए ना, नवीन साहित्य के लोगों भी जिनकी आजीविका चलती थी इससे, आप अमित नागर को देखिए, आप राजेंद्र राघव को देखिए, आप मंटो को देखिए, प्रेमचंद को देखिए, आप इधर आते समय निर्मल वर्मा को देखिए। निर्मल वर्मा के अगर सब कुछ मिला लिया जाए, उनके उपन्यास, उनके कथा संग्रह, उनके अनुवाद, तो मुझे लगता है कि 60-61 होते हैं। तो 60-61 सारी किताबें उनकी मिला ली है तो भी आप समझते हैं कि साल में एक जो उन्होंने भी लिखा हुआ। तो बस कहना यह है कि नियमित रहना है जी, अनुशासित रहना जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम लोग चाहेंगे कि आप अपनी इससे वाचन चाहेंगे खुशबू ने सिद्धार्थ को आंख खोलने पर मजबूर किया,
और जैसे ही उसने आंखें खोली उसकी चीख गले में घुटी रह गई। उसने ठीक सामने के दरवाजे पर नैना जोगिन को देखा, वही फुटिसराया मुस्कुराहट, वही बिखरा फैला काजल और वही बरहमी लंबे हल्के बाल। सिद्धार्थ का शरीर बर्फ हो गया। उसने देखा कि मुस्कुराते हुए वह काया रुद्र की ओर बढ़ रही है, और जैसे ही वह मुस्कुराई सिद्धार्थ ने देखा कि उसके मुस्कुराने से आसपास कपूर की माप फैल रही है। अजीब बात, सिद्धार्थ ने यह भी महसूस किया कि कुत्ते का भौंकना भी बंद हो गया है। सिद्धार्थ ने हिम्मत की और फुसफुसाते हुए चेतन से कहा, चेतन जोर से नहीं बोलना, बस दरवाजे की ओर देखो, वहीं तो देख रहा हूँ एक टक बिना बर्फ फैलाए। चेतन ने भी दबी आवाज में कहा, दिख रही है ना? सिद्धार्थ ने दबी आवाज में पूछा, हाँ। मेरी कसम? तेरी कसम। सिद्धार्थ ने फुसफुसाहट में जवाब दिया, कल तो नहीं दिख रही थी तुझे, आंखें देख तो कैसी है? सिद्धार्थ ने सहमते हुए पूछा, कैसी क्या है? अमृता सिंह पे गई है, सैफ पर जाती तो। चेतन ने दाईं तरफ दीवार पर लगी सारा अली खान के पोस्टर को देखते होगा। अरे पोस्टर देख रहा है? दाईं और दीवार पर देख, कुछ नहीं है वहां पर। अब तो आ गई है कमरे के भीतर। सिद्धार्थ की सहमे हुई आवाज आई, कौन? वही नैना जोगिन कमरे में टहल रही है। मत डराओ बे, उसके डर से पेशाब होके उठ पड़े हैं, यही हो जाएगा भाई। भाई वो रुद्र की तरफ बढ़ रही, उसको कुछ नहीं होगा, उसको काकिनी शाकिनी का थिसौरा से आता है, तुम चालीसा रटो। अब वो रुद्र की छाती पर बैठ गई है। सिद्धार्थ ने कनखियों से देखते होगा, जय भगवान ज्ञान हो सका, जय कपिल तुम लोग बताया। चेतन ने जितना हो सकता था वह कोशिश कर रहा था, मगर सिद्धार्थ का ध्यान किसी चालीसा पर नहीं था। उसने देखा कि वह काया रुद्र की ओर छुपे जा रही है। सिद्धार्थ को लगा कि अब वह चिल्ला देगा। उसने अपनी आवाज बाहर निकालने के लिए करेजे का जोर लगाया ही था और सिद्धार्थ अभी चिल्ला ही देता, तभी रुद्र ने अपने हाथ के पास पड़ी बत्ती जला दी। सिद्धार्थ की ओर मुड़कर कहा, अबे सिद्धार्थ एक बात पूछना रह गया था यार, नींद उसी वजह से खुल गई, ये होठों का स्वाद कैसा होता है? कॉफी जैसा कि टॉफी जैसा? आश्चर्य, अब वहां ना कोई काया थी ना ही कोई खुशबू, दोनों एक साथ गायब हो गए थे। सिद्धार्थ ने उठकर रुद्र को जोर से खींच लिया, फूट कर रो दिया। चेतन भी बैठा था, उसे कमोबेश एहसास था, रुद्र बसोबेश में था। उसने सिद्धार्थ को संभालते हुए कहा, इतना अच्छा लगा कि रुद्र नहीं बताना है तो मत बताओ, रहने दो। कहते हुए रुद्र ने चेतन की ओर देखा। श्रोताओं में दर्शकों में कोई प्रश्न हो आपके मन में तो आप पहली बात है वो जो आपने आपकी जो हिंदी है जैसे बुद्धिनाथ मिश्र ने नव हिंद लिखा तो नई वाली हिंदी जो नाम किया गया है वो किसने किया है? ये सवाल है। एक लेखक मिल रहे हैं हमारे दर्पण साहब, बड़ा अच्छा लिखते हैं, उनका ब्लॉग भी बड़ा अच्छा लिखते हैं, तो उनकी जैन उपस्थिति है ना, सोच हम सारे लोग रहे थे कि कुछ ऐसा नाम दिया जाए लेखन को जिससे हम थोड़ा सा अलग हट के बातें कह सके और बातें समझा सके। काफी बातों पे, काफी नाम पे, काफी कोट पे और काफी लेयर्स पे चर्चा हुई, लेकिन ये जो नाम नहीं वाली हिंदी है इसी पे अंतिम रूप से आकर जो मोहर है वो नहीं वाली हिंदी पे ही लगी। ये दर्पण शाह का दिया हुआ नाम। अमृता नागर की किस्सा हुई तो मैं फैन रहा हूँ, इस तरह से वो बातों को तुरंत बदल दिया करते थे, उर्दू जितना बढ़िया इस्तेमाल वो करते थे गुरमिति की उर्दू का, लेकिन इसके लिए आपको किसने जुटाने पड़े। भगतीचरण वर्मा को मैंने बहुत पढ़ा है, मुझे बहुत पसंद है। काशीनाथ सिंह तो गुरु जी थे तो उनको बहुत पढ़ा है, अलावा इसके मधुरा गर्ग को काफी पढ़ा है मैंने, शिवानी को बहुत पढ़ा है। लोकप्रिय साहित्य में जाऊँ तो मेरे पास जनप्रिय लेखक ओम प्रकाश शर्मा का जितना बड़ा खजाना है उतना उनके पुत्र के पास भी नहीं है। उन्होंने 450 उपन्यास लिखे, मेरे पास 435 उपन्यास है उनके, तो मैं उनका बहुत कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं उनकी बायोग्राफी भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो
तो ये कुछ लेखक है। मैं इनफैक्ट अगर आप पूछे दिली तौर पे तो मैं कविता की तरफ मेरा ज्यादा झुकाव रहा है पढ़ने में। तो मैंने कविता मेरे लेखन में भी अगर आप देखेंगे तो कभी कभी आप पाएंगे कि दो लाइन को राइमिंग कर जाता हूँ मैं लिखते। वो शायद मुझे लगता है कि इसीलिए आता है कि मैंने एक समय में कविता बहुत पढ़ी, डॉक्टर फराज हो गए, पत्नी शाकिर हो गए, मोहम्मद इस्लाम अमजद हो गए, हमारे यहाँ नीरज को काफी पढ़ना, मैंने मुझे बहुत पढ़ा। तो ये लोग हैं जिनसे आप कह सकते हैं कि उनको पढ़ते हुए पढ़ा हुआ। जी कलम का मैं पहला लाइव सेशन अटेंड कर रहा हूं, सो आपको बधाई, आपने बहुत अच्छा कंडक्ट किया, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे बहुत पुराने पुस्तक शेयर दिए। मैं अपने स्कूल के टाइम में असिस्टेंट लाइब्रेरियन हुआ करता था अपने लाइब्रेरियन के साथ, ऑलरेडी काम था। और जनप्रिय लेखक ओम प्रकाश शर्मा को मैंने भी उतना ही पढ़ा तकरीबन जितना आपने पढ़ा। मेरी एज आपसे ज्यादा है, आप 1964, तो मेरी पढ़ाई सिंधी के उपन्यास बहुत सारे पढ़े, तकरीबन सारे लेखक जो स्कूल में अवेलेबल हो सकते थे वो सारे पढ़े, उसके बाद कॉलेज टाइम तक पढ़ता रहा। वेरी इंटरेस्टिंग आपका जो गैदरिंग है, आपका जो सिलेक्शन है सारा, जिस तरह से आपने ग्रेजुएट किया अपने साहित्य में, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैं आपसे सर ये पूछना चाहता था, कल अगर आप सबने कपिल शर्मा का शो देखा हो तो किसी को काटिया उसमें आए हुए थे, उन्होंने कहा कपिल मैं तुमको 5 करोड़ रुपए देकर साइन करना चाहता हूँ, तो कहता कि सर मुझे क्यों, कहता है देखो मैंने तो अमिताभ बच्चन को भी साइन किया था। तो अमिताभ बच्चन ने बोला कि सर मुझे क्यों साइन करा, आपके पास कहानी कोई है मेरे लायक, कहते जब अमिताभ बच्चन ही नहीं था तो कहानी लेके क्या करता, अब अमिताभ बच्चन आ गया तो कहानी ले लूंगा। तो आपसे मेरा प्रश्न ये है कि जब आप लिखने की तैयारी करते हो तो क्या आपके मन में कहानियां पहले से चल रही होती हैं, क्या आप अपने कुछ नोट्स बना के रखते हो पहले से, या स्वतः स्फूर्त एक उपन्यास के बाद दूसरा आता है? नहीं सर, वो कभी कभी ऐसा होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एक छोटी सी वन लाइनर आती है जो मुझे बहुत प्रभावित कर जाती है और मैं उस पर कोशिश करता हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ की पाकिस्तान में मेरे एक मित्र हैं तारिक जी, वो मुझे बताने लगे, एक दिन बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि आपको पता है कि सोमनाथ के मंदिर पे जब आक्रमण हुआ और जो यहाँ से पैसे ले जाएगा, तो रसिया की जिस कंट्री का था वो नाम बोल रहा हूँ, जब वो ले गया वहां पे, तो वहां की करेंसी का नाम ही सोम और नेट हो गया। ठीक है, आज भी जो है मोस्ट प्रोबब्ली वो जो रशियन कंट्री जो टूट के बनी है उसमें 4 या 5 कंट्री का नाम के नाम अभी सोम और नेट ही है उनके करेंसी से। इसी तरह से एक और इंसिडेंट था, नूरबाई एक कैरेक्टर थी, नूरबाई मैदिक साहब दुर्रानी का जब हमारे इन्वेजन हुआ था, तो मैदिक साहब दुर्रानी बहुत बड़ा फाते था, मतलब उसे इस बात से लड़कियों से और औरतों से कोई इस तरह का मतलब नहीं था, वो वॉरियर था, वो जीतता था, पैसे लेके जाता। लेकिन जब उसने दिल्ली में मसाइल किया उसके बाद वो थक गया, तो उसने वहां से रंगीला से कहा कि यार मुझे थोड़ा वो करवाओ, तो रंगीला ने वो कहा नूर भाई को कि आप ही यार इसको वो कुछ नाच वाच दिखाओ और कुछ करो। तो नूर जो थी उन्होंने एक कृष्ण का पद गाया, कृष्ण का पद उसे क्या समझ में आया उसको, तो उसने कहा कि किसके बारे में कह रही है, अब डरे हुए रंगीला इनके 30,000 लोगों को काट दिया उसने, आपके बारे में कह रही है जो पद गा रही है वो आप ही हैं, खुश हो गया। उसने कहा कि बहुत अच्छी लड़की है, इसको 3,000 दिनार दो या जो भी उस समय करेंसी हो और मैं इसको लेकर ईरान जाऊंगा। तो उसने उस लड़की ने कहा कि मैं ईरान तक नहीं जाऊंगी, आगे की लड़की थी, पूछा गया कि क्यों नहीं जाऊंगी, तो उसने कहा कि नहीं, मतलब यहाँ पे मैं जिस तरह से हूँ वहां क्यों जाऊंगी, और वो जो एक वो भाग गई वहां से। अब ये जो भाग गई ना, ये मुझे हिट कर गया, इतनी बुरी कहानी क्या, देखिए कि लाल किले से जहां पे मुगलों का अपना की अपनी सिक्योरिटी है, नादिर शाह की किचलवासों की सिक्योरिटी है, और जो उस समय ख्वाजसरा होते थे उसकी सिक्योरिटी है, उस 3 टीयर ऑफ सिक्योरिटी के बीच से एक अदना कासा जो वो भाग जाती है, कैसे भागती होगी,
इस बात ने मुझे हिट किया और मैं पिछले 6 महीने से मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ। तो अब फिर लिखने पे आता है, तो वही है वन लाइन में कोई ऐसी होती है जो हिट कर जाती है और फिर उस पे रिसर्च करता हूँ। एक साधु क्वेश्चन है, वो अब नाम जो एक और नाम सब जो प्रॉपर नाम रखते हैं जी, जैसे चेतन हुआ, सिद्धार्थ हुआ जी, आज चाहे राहुल मिश्रा जी, जी परिधि जी, तो ये खास कुछ कैरेक्टर से आप लाते हैं या कैसे प्रॉपर नाम सब कैसे आप? नहीं, नाम का तो ऐसा मैं बड़ा क्लियर रहता हूँ, इसलिए कि मैं हमेशा नाम ऐसे रखने की कोशिश करता हूँ जो नाम मुझे समाज में दोस्तों में मिल जाए। ठीक है, मेरा एक बड़ा ऑफेंसिव सा एक ट्रेलर भी है बनारस ऑफिस में, अगर आपका किसी का नाम हो तो मुझे माफ कीजिएगा, उसमें एक लड़का कहता है कि भीड़ में पत्थर चला के मार दो तो किसी भी अमित राहुल के संतोष को लग जाएगा। ठीक है, तो मैं नाम इस तरह के रखने की कोशिश करता हूँ जिससे लोग जोर से सके। छोटा सा सवाल है बहुत लंबी यात्रा आपने बताई अपने पढ़ने लिखने की पढ़ने के रेंज के बारे में, लेकिन हमें उत्सुकता ये जानने की किस खास लेखक को पढ़ते हुए आपके दिमाग में ये आया कि हमें भी लेखक बनना चाहिए? बताता हूँ सर, मैम जो है ना यही सवाल करते करते रुक गई, मैं समझ गया था इनके सवाल से पहले सवाल। एक्चुअली बनारस ऑफिस में ना कुछ जगह गालियां हैं, ठीक है, बनारस वकील जो है उसमें जो दोस्त यार अपने में बातें करते हैं ना, वो जगह कुछ जगह वो गालियां है मैं जी, तो उसपे जब मैं इनफेक्ट बड़ा हो रहा था पढ़ रहा था, तो काशी जो किताब थी ना वो मेरे लिए मतलब बिल्कुल लाइफ चेंजिंग बुक थी, इसलिए नहीं कि उसमें मेरे लिए लाइफ चेंजिंग बुक इसलिए थी कि ये शब्द लिखा कैसे जा सकता है। ठीक है, हम लोगों के यहाँ भी एक इस तरह का मतलब दिमाग में जो है वो लगा हुआ है कि दोस्तों से बात कर रहे हैं ठीक है, घर में जब जा रहे हैं ना तो कोई एक्स्ट्रा कोशिश नहीं करनी पड़ रही, वो अपने आप मुंह पे ताला लग जा रहा है और नहीं बोल रहे, तो वो मैंने पढ़ाना और मुझे लगा कि नहीं, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि ये जो चीज है कि जैसे मैं आपको आधा आपने पढ़ा होगा, उसके बाद बहुत सारी किताबें हुई इसमें मैंने पढ़ा कि इस तरह की बात, तो उस चीज ने मुझे पूछ दिया कि नहीं अपने लेखन को रोकने की जरूरत नहीं आपने की, तो फिर मैं एक लेखक की बात आप करें तो मैं कहूंगा काशीनाथ जी की काशी। दूसरी किताब जो बड़े होने के बाद मुझे लगता है 2-3 साल पहले किताब ने मुझे बहुत मुतासर किया, वो किताब है जनरी लोग और लेखक ओम प्रकाश शर्मा की किताब है एक रात का मेहमान, वो आउट ऑफ प्रिंट है, मैं अपनी कोशिश से उसे छपवाने की कोशिश कर रहा हूँ जी, मोस्ट प्रोबली 2 महीने में आ जाएगी किताब, वो इतनी अच्छी किताब है। वन लाइन में आपको बताऊं कि पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान गया एक लड़का जब वापस इंडिया आता है एक कमीशन के साथ, और वो जब मेरठ जाता है और वो इस बात से चिंतित है कि इस देश में सारे मुसलमानों को हिंदू कर दिया गया होगा सोच, और वो देख रहा है कि यार मेरे मेरठ में वो नौचंदी के मेले में कुछ नहीं बदला है, 47 में जिस तरह से था 71 में भी 72 में भी उसी तरह से, वो जो कहानी है ना सर वो उसने मुझे बहुत बता से क्या, मैं आप लोगों को सबसे दरखास्त करता हूँ अगर वो किताब आए एक रात का मेहमान तो जरूर पढ़े। आपने रानी मासूम रजा की चर्चा नहीं की, लेकिन गालियों में तो वो बड़े उस्ताद हैं। आधा गांव मैंने कहा सर जी। अब आप एक बनारस काजी से गुरु जी का ऋण उतर गया। नहीं 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 काशीनाथ सिंह नहीं उतर गया सर, नहीं हो सकता। मैंने कहने का इरादा है जी, काशी इतनी विस्तृत है और क्या कोई भी बहुरंगी है, बहुत राव है, मैंने इंटरव्यू से किया काशी को जमीन पर, काशी की धरती को जमीन पर रखकर कहा जा रहा आपसे एकदम करूंगा सर। 35 साल की उम्र में मैंने वो किताब लिखी थी, तो जो वो और भी 10 साल पहले की कहानियों की 25 साल की उम्र की हॉस्टल की कहानी थी, उसमें काशी आ ही नहीं पाई, उसमें PHU आया, मुझे काशी में लिखना है और मैं बिल्कुल जरूर लिखूंगा काशी में पढ़ा जी जी बिल्कुल। एक नजर है मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मैं पहले बता दूं, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूं इस नज़्म को, डॉक्टर कर्णी शाली की नज़्म मुझे बहुत पसंद है, इतना मालूम है इसका उन्होंने अच्छा। मेरा अपना व्यक्तिगत ख्याल है कि फेमिनिन फीलिंग को मैंने इनसे बेहतर किसी को लिखते हुए नहीं पढ़ा, डॉक्टर कर्णी शाली उन्होंने लिखा कि अपने बिस्तर पे बहुत देर से मैं नींद दराज सोचती थी
कि वो इस वक्त कहां पर होगा। मैं यहां हूं मगर इस ऊंचे रंगों भूमि रोज की तरह से वो आज भी आया होगा और जब उसने वहां मुझको न पाया होगा। आपको इल्म है वो आज नहीं आई है। मेरी हर दोस्त से उसने यही पूछा होगा क्यों नहीं आई हो, क्या बात हुई है आखिर। खुद से इस बात पे 100 बार वो उलझा होगा। कल वो आएगी तो मैं उससे नहीं बोलूंगा। आप ही आप कई बार वो उठा होगा। वो नहीं है तो बुलंदी का सफर कितना कठिन। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने ये सोचा होगा राहदारी में हरे लॉन में फूलों के करीब उसने हर सिमत मुझे आन के ढूंढा होगा। नाम भूले से जो मेरा कहीं आया होगा गैर महसूस तरीके से वो चौंका होगा। एक जुमले को कई बार सुनाया होगा बात करते हुए 100 बार वो भूला होगा। ये जो लड़की नई आई है कहीं वो तो नहीं। उसने हर चेहरा यही सोच के देखा होगा। जाने महफिल है मगर आज फकत मेरे बगैर हाय किस दर्जा वही बज़्म में तन्हा होगा। कभी सन्नाटों से वैसा जो हुई होगी उसे उसने बेशाख्ता फिर मुझको पुकारा होगा। चलते चलते कोई मानूस सी आहट पाकर दोस्तों को भी किसी उज्र से रोका होगा। याद करके मुझे न भूल गई होगी बल्कि आंख में पड़ गया कुछ क्योंकि ये ताला होगा। और घबरा के किताबों में जो ली होगी बना और घबरा के किताबों में जो ली होगी पना हर सतर पे मेरा चेहरा उभर आया होगा। जब मिली होगी उसे मेरी अदालत की खबर उसने आहिस्ता से दीवार को थामा होगा। सोच कर ये कि बह जाए परेशान ये दिल यूं ही बेवजह किसी शख्स को रोका होगा। इत्तेफाकन मुझे कुछ शाम मेरी दोस्त मिली। मैंने पूछा कि सुनो आए थे वो कैसे थे। मुझको पूछा था कि मुझे ढूंढा था चारों जाने। उसने एक लम्हे को देखा मुझे और फिर हंसी। इस हंसी में वो तलखी थी कि इससे आगे क्या कहा उसने मुझे याद नहीं है लेकिन इतना मालूम है ख्वाबों का फर्क टूट गया। मुझे माइक की जरूरत है। धन्यवाद सत्या जी। माइक की जरूरत मुझे नहीं है। मुझे लगता है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान जी ने मेरे गले में माइक लगा के दिया है और शायद आज आप लोग भी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। धन्यवाद ज्ञापन देने का काम मेरा है लेकिन धन्यवाद से पहले कुछ हमारे काम है। मैं जैसे कि कोविड है और कोविड को लेके ये पहला हम लोगों का फिजिकल सेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सोशली सेशन। तो बुक्स जो साइन करवाया करते थे हम लोग वो आज हमने बुक सत्या जी से पहले ही साइन करवा दी है और आप सबके पास उनकी किताब है। आप सबकी ब्लेसिंग्स सत्या जी को मिलेगी और मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि आप सबके साथ किताब के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ हम लोग करवा लेंगे अंत में और साइन कराने वाला जो काम है वो आज नहीं हो पाएगा। आप लोगों ने सवाल पूछे उसके पहले बोर्ड ऑफ प्लान से पहले सत्या जी हमारे बीच में आए हैं एक प्रभा केसर फाउंडेशन की तरफ से एक छोटा सा प्रतीक चिन्ह जो हम लोग देते हैं सीमा ऑरेंज वाला। ये जैसा कि आप लोगों को बता दें कि ये प्रभा केतन फाउंडेशन सोशली और लिटरेचर पे तो काम कर ही रहा है और अब सोशली भी काम कर रहा है। ये कलकत्ता की वुमेन्स के बने हुए हैं जो इन्होंने स्पेशली काम कर दिया है। मैं रश्मि से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुक्ति जिन्होंने जो हमारी टीम का एक हिस्सा है जिन्होंने बातचीत करी है सत्या जी के साथ और एक बहुत ही हल्के और खुशनुमा माहौल में बात हुई। थोड़ा माहौल हल्का ही होना चाहिए था। भाइयों का पहले पिछला 2020 भाई करवाया 2020 बहुत ही भारी निकला इसलिए धन्यवाद ज्ञापन में ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करूंगी मैं
क्योंकि इनकी फ्लाइट भी है और हम लोगों ने बोल के रखा है कि समय से यहाँ से चले जाएगा और ये वापस अपनी जगह पहुंच जाए। प्रभा केदार फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें ये मौका देता है कि आप जैसे लोगों को हम रांची बुलाते हैं और आप जैसे अतिथि हमारे बीच आते हैं और हम लोग बैठ के आपस में चर्चा कर पाते हैं और कुछ अच्छी चीजें निकलती हैं और अगले कार्यक्रम के लिए कुछ और अच्छी तैयारी कर पाते हैं। श्री सीमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हम लोगों को इस कार्यक्रम के लिए हमारा सहयोगी रहता है, हमारे साथ है, हमारा पार्टनर है, स्पॉन्सर है। और मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो जो लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं जन जन तक पहुंचाने के लिए दैनिक जागरण का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी टीम जो यहाँ पे है रश्मि, सीमा, मुक्ति, मैं और मीना जी जो यहाँ नहीं है वो किसी कारण से अपने बच्चों के पास गई हुई है। तो हमारी टीम आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबके सहयोग से मैं ये कार्यक्रम हम लोग इसको अच्छे से कर पाते हैं। और कोई भी भूल चूक हो गई होगी तो आप लोगों से मैं पुनः माफी मांगूंगी। थोड़ी सी चुक रह गई है वो आप लोगों को पता भी नहीं चली होगी और मैं बताऊंगी भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए और दोबारा मिलेंगे। मुझे आप लोगों की उपस्थिति से ये भरोसा हुआ है कि हम लोग अब करेंगे दोबारा तो आप लोग फिर आएंगे और हम लोग जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए प्रभा केदार ने जो हमने गाइडलाइन दिया था उसको फॉलो करते हुए हमने पूरा प्रयास किया कि अच्छे से करें। तो मार्च के महीने में हम लोगों का फिर से प्रयास होगा करने का तो अच्छे से होगा और आप लोगों का सहयोग हम लोगों को मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब एक बार आ गए तो एक ग्रुप फोटो लेंगे। किताब दे दिया फोटो का मास्क रखना रखिएगा तो अच्छा है दिल रखिएगा।